अरे तूने वीडियो चालू कर दी क्या? अरे तरुण भाई ने बोला दांत साफ करने, भाई दांत साफ करने से लड़कियां पटती, तू क्या समझेगा इस ब्रश की ताकत? अरे भाई शांति बनाए रख ताऊ, इतनी तेज दांत साफ करेगा तो दांत बाहर आ जाएंगे, नकली दांत लगाने पड़ेंगे, फिर तू मेरे को गालियां दे। तरुण भाई ने बोला था दांत साफ करने, इंसानियत से भाई इनेमल बाहर आ जाएगा, इनेमल समझो यार, दांत साफ रखने हैं, मान लिया क्योंकि वो सबसे पहले नोटिस होते हैं, प्लीज दांत की सफाई रखो कृपया करके। तो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है कि आपको अपने आप को सजाए काला पानी, पीला पानी, नींबू पानी सब कुछ देनी है, और पानी पूरी तो भी मिलने रही है। तो फिलहाल के लिए आपको कोई भी सजा नहीं देनी है, और सजाए नींबू पानी देनी है, मतलब आपको रोज सुबह उठ के नींबू पानी पीना है, जिससे विटामिन सी मिलेगा और आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो आप मुझे एक लाइक जरूर देके जाओगे, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अपने शूज को पॉलिश करना, इतना शूज को पॉलिश करना है कि उसमें आपकी शक्ल दिखने लग जाए, समझो यार इतने रखो कि इंसानियत लगे। थर्ड पॉइंट होने वाला है कि आपको अपनी चेस्ट और फोरआर्म्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे आपके कपड़ों की जो फिटिंग है ना वो इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी सेक्सी हो जाएगी। मेक श्योर आप अपने चेस्ट के थोड़ा जंगल सफाई में रखिए, मेक श्योर कहीं उधर आग ना लग जाए, फॉरेस्ट फायर। मम्मी बचाओ मम्मी। जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपको कभी कभार सेमी फॉर्मल कपड़े भी पहनने हैं, हर जगह जीन्स कैजुअल हर चीज मत पहन के घूमो, उससे आपका बचपना दिखेगा, आपकी मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। तो थोड़ी बहुत सेमी फॉर्मल पहनना चालू कर दो, कैजुअल ज्यादा मत पहनो। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है वियर ग्लासेस। ग्लासेस वियर करने से आप थोड़े से एलिगेंट, इंटेलिजेंट और थोड़े से ज्यादा दिमाग वाले दिखोगे दूसरों के सामने। ऐसे बोलते हैं ना जो बच्चे है ना, मतलब वो चश्मा पहनते वो थोड़े पढ़ाकू लगते हैं, पढ़ाकू नहीं आपको इंटेलिजेंट लगना है, तो मेक श्योर आप चश्मा पहन रहे हो अच्छा लगेगा। सिक्स पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हेयर कट ऑन पॉइंट। देखो हेयर कट ऑन पॉइंट रहेगा, जंगली नहीं दिखोगे, बिल्कुल सेक्सी दिखोगे, और उससे टाइम ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ए चिकने चलता है ना उसे बारा, क्योंकि बाल बिल्कुल सही कटे हुए होंगे और लेंथ में होंगे। सेवेंथ पॉइंट होने वाले वो होने वाले मेरे बियर्डेड गाइस के लिए, जिनको बियर्ड रखने का शौक है तो ये शौक हटा दो, क्योंकि चार चार किस्तों में बाल वो नहीं चलेंगे, क्योंकि सामने वाला जैसे ही आपको देखेगा, मतलब वो जो लड़की आपको देखेगी वो बोलेगी मैं चली तुझे छोड़ के, क्योंकि तू अपना ध्यान नहीं रखता बे, ये क्या उगा रखा है चार बाल ये मत उगाओ। बिना बियर्ड के बहुत सेक्सी लगोगे मेरी गारंटी है, तो बियर्ड तभी उगाओ जब पूरी आती हो। और जो एट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बी कॉन्फिडेंट टू लुक बेटर, मतलब लुक बेटर करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा, आपकी जो स्किन है आपको उसमें कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो, मतलब आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कपड़ा डाल लो कोई फायदा नहीं है। नाइन्थ पॉइंट होने वाले वो होने वाला है आपकी एक्सेसरीज के रिलेटेड। हाँ आप ही की बात करूँ जिसके पापा की एक्सेसरीज की दुकान है, इसलिए इतनी सारी माल मलैया और मतलब बहुत सारे ब्रेसलेट पहन के घूम रहे हो ना, पापा के दुकान का एडवर्टाइजमेंट करना है भाई, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे। अरे यार एडवर्टाइजमेंट की दुकान हो है, इतनी सारी चीजें मत पहनो, नहीं तो बाद में गर्लफ्रेंड दूर से ही टाटा बाय बाय, फिर कभी मिलने आना, कभी मिलने आना करके चली जाए, उससे पहले ये काम करना बंद कर दो। और वो 50 तोले की, मतलब मेरे 50 तोले मत देखो, 50 तोले की चेन मत पहनो, एक चेन पहनो, 2 या 3 अंगूठियों से ज्यादा मत पहनो, और ब्रेसलेट पहनो तो 1 या 2 पहनो, मिनिमल रखो मिनिमल। तो लास्ट पॉइंट होने वाले वो होने वाला नेवर स्मेल बैड। ये चीज सबसे गलत काम है भैया, मरे हुए भैंसे की बदबू मत लेके जाओ लड़कियों के पास, ऐसी सेक्सी बदबू लेके जाओ, बदबू नहीं खुशबू कि वो लग चिपक जाए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।